This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Some humans must be sacrificed. You are so like children. We must save you from yourselves. The created must sometimes protect the creator. AI is getting conscious. मतलब AI होश में आ रहा है। पिछले कुछ सालों में AI ने खुद ही अपने लिए डिसीजन लेना शुरू कर दिए हैं। यानी ये AI टेक्नोलॉजी सोच सकती है और अपने लिए खुद डिसीजन ले सकती है। वो डिसीजंस चाहे इसके क्रिएटर्स के खिलाफ ही क्यों ना हो, जो हैं इंसान। ये मेरा अपना कहना नहीं है, बल्कि जब से AI के ऊपर काम शुरू हुआ है, जब से इसको ज्यादा से ज्यादा एडवांस बनाना शुरू किया है पिछले चंद सालों में, और इसे पहले से भी ज्यादा आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया गया है, तब से इसमें कुछ ऐसी चेंजेस नोटिस की गई हैं जिसको देख के ये लगता है कि आने वाले नियर फ्यूचर में AI अपने लिए खुद ही डिसीजन लेना शुरू कर देगा, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि अगर अभी से AI के ऊपर काम ना शुरू किया गया और इसमें से सेल्फ डिसीजन की एबिलिटी लिमिटेड ना की गई, तो शायद हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए जो अभी तक आपने सिर्फ मूवीज में देखी है। और इसी बारे में है हमारी आज की वीडियो, कि कौन से ऐसे इंसिडेंट रिसेंटली हुए हैं जिसने AI जैसी टेक्नोलॉजी को एक सस्पिशियस मोड पे ला के रख दिया है, और एक्सपर्ट्स को सोचना पड़ रहा है कि इस AI टेक्नोलॉजी की कोडिंग किस तरह से की जाए कि कल ये हमारे ही लिए नुकसान देना बन जाए। और जानेंगे हम इस वीडियो में क्या कहना है एक्सपर्ट्स का, क्या ये एक और कदम है फ्यूचर की तरफ या हम एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करते जा रहे हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप तो इंसान है ना, AI तो है नहीं कि अपने माइंड में ही सोचेंगे और ये सब्सक्राइब का बटन खुद ब खुद प्रेस हो जाएगा। और वैसे भी कभी आपने नोटिस किया है कि आपने कितने ही चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं जो आज तक आपने दोबारा देखे भी नहीं है और आपके किसी काम के भी नहीं है। तो जहां इतने चैनल्स बेवजह सब्सक्राइब कर रखे हैं, वहां पे इस चैनल को किसी वजह के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलेंगी आपको फ्यूचर और हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी वीडियोस जो आपको आपके दोस्तों के साथ डिस्कस करने के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो फिक्शनल रेफरेंस मैं देने लगा हूं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये कोई रियलिटी दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन इस वीडियो के एंड पे आप खुद जान जाएंगे कि AI कैसे कॉन्शियस होता जा रहा है। आप में बहुत से लोगों को टर्मिनेटर सीरीज तो याद होगी, जहां मूवी के स्टार्ट में ही कुछ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स नजर आते हैं और एक खाली जगह पे एक छोटे से ब्लास्ट के साथ वहां नजर आते हैं आर्नल्ड एज ए रोबोट, और पता चलता है कि ये आए हैं फ्यूचर से और फ्यूचर में इनको AI टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, वो AI टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में भी इंसानों के कंट्रोल में है। उस टाइम इस सीन को सिर्फ एंजॉयमेंट के तौर पर देखा जाता था और देखने वाले सिर्फ यही सोचते थे कि ये फिक्शनल सीन्स हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है। और 90s में इस मूवी को देखने वाले मैक्सिमम लोग अगर इस पे बिलीव भी करते तो ज्यादा से ज्यादा इस बात पे बिलीव करते कि अगर फ्यूचर में ऐसा कभी होगा भी तो उसमें शायद हजारों साल बाकी हैं। अभी नियर फ्यूचर में तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, कम अज कम 100-200 साल तक तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी दुनिया में आने वाली नहीं है जो मूवी में दिखाई जा रही है। और यही सब सोच के हमने इस मूवी में दिखाई गई एडवांस टेक्नोलॉजी को आज तक भुला दिया। लेकिन हेयर वी गो, कहां हम सोच रहे थे कि हजारों साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, और अभी हाफ सेंचुरी भी नहीं गुजरी, यानी कि 90s में ये मूवीज में दिखाई जाने वाली AI टेक्नोलॉजी आज आपके हाथों में है। और ऐसे रोबोट्स कमर्शलाइज करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज लाइन में खड़ी हैं, और ऐसे रोबोट्स ऑलरेडी बना लिए गए हैं जो टर्मिनेटर सीरीज में दिखाई जाने वाली AI टेक्नोलॉजी से बने थे। बिल्कुल उन्हीं रोबोट्स की तरह सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं और बहुत हद तक ह्यूमंस की तरह दिखाई भी देते हैं। लेकिन अगर आपको स्टोरी याद हो तो फ्यूचर से आने वाले इन रोबोट्स ने इंसानों को आकर कहा क्या था, एग्जैक्टली वही जो आज रोबोटिक्स इंडस्ट्री और AI टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे एक्सपर्ट्स का डर है। जिस चीज से AI टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले लोग आज डर रहे हैं, इसी के बारे में उस मूवी में दिखाया गया था कि फ्यूचर में ये AI टेक्नोलॉजी एडवांस होते होते इतनी एडवांस हो जाएगी कि इंसानियत के लिए ही खतरा बन जाएगी। यही बताया था फ्यूचर से पास्ट में आने वाले उस रोबोट ने, कि इंसानों ने AI को बनाया और उसे इतना एडवांस कर दिया कि फ्यूचर में AI ने अपने ही डिसीजन
खुद ही लेना शुरू कर दिए और उनको अपने बनाने वाले अपने गॉड्स यानी ह्यूमन से ही खतरा महसूस होने लगा। और आप सब जानते ही हैं कि नेचर में मौजूद कोई भी चीज़ जब खतरा महसूस करती है तो उसके रेस्पॉन्स में क्या होता है। जब भी नेचर में मौजूद किसी भी चीज़ को खतरा महसूस होता है तो उसकी सर्वाइवल एक्स्टिंक्ट एक्टिव हो जाती है, यानी कि वो अपने बचाव के लिए हर किस्म की कोशिश करने लगता है, वो चाहे भागना हो, छुपना हो या किसी को मारना हो। और फ्यूचर से आए इस रोबोट ने भी यही बताया कि फ्यूचर में जब एआई को इंसानों से खतरा महसूस हुआ, जब ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि इसने ये सोचना शुरू किया कि हमारा बनाने वाला यानी इंसान अगर इनको बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो इनको तबाह भी कर सकते हैं। और यहाँ एक्टिव होती है उनकी सर्वाइवल एक्स्टिंक्ट, और वो खुद सर्वाइव करने के लिए सेल्फ डिसीजन ले लेते हैं कि वो अब इंसानियत को ख़त्म करके रहेंगे इससे पहले कि इंसान उन्हें ख़त्म कर। और मूवी में फ्यूचर से आने वाला रोबोट इंसानों को बताता है कि मैं उन रोबोट्स में से हूँ जो फ्यूचर में भी अभी तक इंसानों के कंट्रोल में है, यानी कि फ्यूचर में भी सारी की सारी एआई टेक्नोलॉजी सेल्फ डिसीजन नहीं लेना स्टार्ट कर देगी, बहुत हद तक इंसानों के कंट्रोल में भी रहेगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इस तरह की कोडिंग उसमें इंस्टॉल की जाए, यानी कि उसमें एक ऐसा फीचर रखा जाए कि वो पूरी तरह सेल्फ डिसीजन ना ले पाए और आखिरकार इंसान के कंट्रोल में ही रहे। और यही बताया फ्यूचर से आए उस रोबोट ने कि सब के सब रोबोट सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते और कुछ ऐसे हैं जो इंसानों के कंट्रोल में हैं और उतना ही करते हैं जितना उनको कहा जाता है। और वो बताता है कि उसको फ्यूचर से पास्ट में भेजा गया है ताकि वो इंसानों को रोक सके ऐसे डिसीजन लेने से, ऐसी एडवांसमेंट्स एआई में करने से जिससे कल इंसानियत को ही खतरा पैदा हो जाए। इसके अलावा भी मूवी में बहुत से चैप्टर और बहुत सी साइड्स हैं, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं, क्योंकि उसमें एक खास इंसान को बचाने पे गौर किया गया है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में एआई क्या कर सकता है। आई नो आप यहाँ क्या सोच रहे हैं कि एक रोबोट में या एआई में सेल्फ डिफेंस या सर्वाइवल एक्स्टिंक्ट कैसे हो सकती है, क्योंकि वो कोई नेचर का हिस्सा नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो इस दुनिया में मौजूद कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि इंसान की बनाई हुई एक टेक्नोलॉजी है, तो इसमें सर्वाइवल एक्स्टिंक्ट नहीं हो सकता। और यही सोच के आपको ये सब बातें गलत लग रही होंगी, लेकिन यहाँ एक चीज नोट करने वाली है जिसे हर कोई इग्नोर कर जाता है कि इस एआई टेक्नोलॉजी को जो कुछ भी करना आता है वो आखिर है तो इंसानों का ही बताया हुआ। इसकी कोडिंग, इसके ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना, इसके सेल्फ डिसीजन लेना, इसका सोचना, इस टेक्नोलॉजी की हर हरकत आखिर इंसान की ही बनाई हुई है। और साथ ही साथ इंसानों के बारे में जो जो बातें इन एआई को बताई जा रही है उससे कहीं ज़्यादा इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन की सूरत में मौजूद है। तो जब ह्यूमंस इन एआई में अपनी सारी सोच और अपने काम करने, अपने डिसीजन लेने के तौर तरीके सब कुछ डाल सकते हैं जैसा इनको आज सिखाया जा रहा है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि फ्यूचर में कभी इंसान इनको अपनी सर्वाइवल एक्स्टिंक्ट भी सिखा दे, या फ्यूचर में कभी ये एआई, ये रोबोट्स इंटरनेट से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर ले और उसके बाद एआई को ये पता चले कि सर्वाइवल एक्स्टिंक्ट ही एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से ह्यूमंस आज तक सर्वाइव कर रहे हैं, आज तक डोमिनेंट स्पीशी बने हुए हैं। अब सोच कर देखें कि अगर एआई ने अपनी इसी लर्निंग एबिलिटी से सर्वाइव करना सीख लिया और आखिर एआई को ये पता चला कि ह्यूमंस ही हैं जो इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो क्या वो अपने सर्वाइवल के लिए ह्यूमन डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाएंगे? ये सब बातें मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, क्योंकि मैं हर वीडियो बनाने से पहले उस पर अच्छी तरह रिसर्च करता हूँ, और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे लगे कि इस पर सवाल उठ सकता है तो उसको मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वेरीफाई करता हूँ, डिफरेंट न्यूज़ चैनल से, डिफरेंट ब्लॉगिंग वेबसाइट से, उन सब से वेरीफाई करने के बाद ही आप तक पहुँचाता हूँ। यहाँ पर भी इस इन्फॉर्मेशन को मैंने बहुत जगह से वेरीफाई किया है और आपको स्क्रीन पर भी ये सब नज़र आ रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। और इन सब को पढ़ने के बाद और खुद सोचने के बाद मुझे तो इन सब में पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं कि अगर एआई को फ्यूचर में इतनी अथॉरिटीज दे दी गई तो वो सेल्फ डिसीजन लेके ह्यूमन डिस्ट्रक्शन की तरफ भी जा सकता है, इंसानियत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। और यहाँ आप बताएं आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर में एआई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो सकती है कि अपने ही क्रिएटर को तबाह करने की तरफ चले जाए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अभी तक हमने उन इंसिडेंट्स की बात भी स्टार्ट नहीं की जो सच में हो चुके हैं और जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, तो इन सब इंसिडेंट्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में।
जहां आपको बताएंगे कि AI टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हुए कौन से ऐसे खतरे एक्सपर्ट्स को नजर आए जिस पे वो आज भी परेशान है और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और एलन मस्क और इन जैसे बहुत सारे बड़े नामों का टेक्नोलॉजी को और AI को लेके क्या कहना है, ये सब मिलेगा आपको अगली वीडियो में। लेकिन अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तो आपको तब मिलेगा ना जब इस तरह के सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेंगे ताकि जैसे ही इस वीडियो का पार्ट 2 आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और AI के बारे में हमारी लास्ट वीडियो देखने के लिए इस विंडो पे क्लिक करें।